महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अनिल देशमुख को कुछ टाइम पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था और पिछले कई महीने से ये लगातार जेल के अंदर ही बंद हैं। इनके द्वारा कई बार जमानत याचिका भी दाखिल की गई है कोर्ट से कि इनको जो है बेल दिया जाए, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कल जो है अनिल देशमुख की जेल में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाने की वजह से अनिल देशमुख को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाने के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए वहाँ के पुलिस कर्मियों ने उनको हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया है। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी बेल के लिए, लेकिन उस याचिका को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेकिन वहीं बात की जाए नवाब मलिक की, तो नवाब मलिक को हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कोर्ट के द्वारा परमिशन दे दी गई थी, जिस पर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब जो है अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने की वजह से उनको जेल से निकाल कर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देखते हैं आने वाले टाइम पे और क्या अपडेट आती है इस पर। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।